बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार लगातार खेल जगत में अपना नाम रोशन कर रहा है और इसी के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की खेल जगत में एक ऐतिहासिक दिन का शुभारंभ कर दिया है। आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गौरव यात्रा निकलवाई है, जहां पर उन्होंने गौरव यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाए। बिहार के राजगीर में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी बनी है, वहां पर अब एशियन चैंपियनशिप होने वाली, एशियन हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा वाली है, जिसको लेकर आपको बताया कि ये जो ट्रॉफी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से, यानी कि एक अन्य मार्ग से निकली है। जो तस्वीरें हैं, हम चाहेंगे कि पहले आप इन तस्वीरों पे नज़र डालें और विजय कुमार चौधरी भी वहाँ पे नज़र आए और किस तरीके से बच्चों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस ट्रॉफी को रवाना करते हुए नज़र आ रहे हैं। राजगीर में पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक यह चैंपियनशिप चलेगी। इस चैंपियनशिप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 14 अक्टूबर यानी कि आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गौरव यात्रा को हरी झंडी दे दी है। चलिए चलिए आप भी चलिए, अगला खेल मंत्री, खेल मंत्री जी को दो। सर 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 और आगे बढ़ो, आगे चलिए।
बिहार के 3800 जिलों में इस ट्रॉफी को घुमाया जाएगा। हर जिले में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और खेल जगत से जुड़े लोग इसका स्वागत करेंगे। 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा ये ट्रॉफी टूर जो है वो 7 नवंबर तक वापस आएगा और नालंदा पहुंचेगा। इसके बाद नालंदा ज़िले के सभी डिवीज़न में ट्रॉफी टूर करवाई जाएगी। महिला हॉकी चैम्पियनशिप के उद्घाटन के दिन यह ट्रॉफी स्टेडियम के अंदर लाई जाएगी। भारतीय महिला हॉकी टीम 5 नवंबर को राजगीर पहुंच जाएगी, जबकि बाकी सारी टीम 8 नवंबर को बिहार पहुंचेगी। और ये जानकारी है कि प्रतिदिन 3 मैच होंगे। सबसे आखिरी जो मैच होगा वो 7:30 बजे होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी है और अब ट्रॉफी टूर जो है वो शुरू होने वाला है। भारत के अलग अलग राज्यों में जाएगा, उसके बाद बिहार वापस आएगा। और बिहार के लिए काफ़ी गौरव का दिन है, क्योंकि एशियन चैम्पियनशिप हॉकी जो बिहार में होने वाला है, जहाँ पे भारत की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब बिहार में गेम होगा, जो बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। राजगीर में जिस तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है 851 करोड़ की लागत से, उसके बाद बिहार का नाम लगातार आगे बढ़ रहा है खेल जगत में। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।